स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल ईजी बायोटीच पर लेके आई हूँ डिवीज़न ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस ICAR मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट आई है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट आई है और यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन है वो ऑनलाइन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और ये जो पोजीशन है हमारी टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहने वाली है। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमें दो प्रोजेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर और सेकंड हमारा है साउथ एशियन एग्रीकल्चर अडॉप्टेशन एट लास्ट इंटरकनेक्शन बिटवीन क्लाइमेट रिस्क एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी के साथ उनको यहाँ पे जो जीमेल हमें दी गई है यहाँ पे क्या करने हैं, अपलोड करने हैं 24 नवंबर 2024 तक। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के बाद उन्हें यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा और उनको यहाँ पे ईमेल के थ्रू बताया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसकी टेंटेटिव डेट यहाँ पे 1 दिसंबर 2024 दी गई है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी वेरीफाई किया जाएगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारी कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और उनके लिए हमारी क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है। सबसे पहले हमारी जो पोस्ट आई है वो है यंग प्रोफेशनल सेकंड की फॉर NICRA प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमारी टोटल एक पोस्ट रहने वाली है और यहाँ पे जो हमारा पे स्केल है पर मंथ 42,000 रुपये रहने वाला है। अब यहाँ पे हमारी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस और एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोली गई हैं। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, एग्रोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में और इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास और 7.5 OGPA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे डिज़ायरेबल में बोला गया है एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए इन फील्ड सर्वे एक्सपीरियंस। सेकंड हमारी जो पोस्ट है वो यंग प्रोफेशनल सेकंड की ही है, यहाँ पे भी NICRA प्रोजेक्ट के लिए है एक पोस्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमारे जो पर मंथ जो पे स्केल है वो 42,000 रुपये रहने वाला है। अब यहाँ पे हमारी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में बोली गई है जो मास्टर्स डिग्री है वो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से। डिज़ायरेबल के अंदर बोला गया है एक्सपर्टाइज इन मोलिकुलर बायोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड और एग्रीकल्चर क्रॉप्स फील्ड में। थर्ड हमारी पोजीशन है यंग प्रोफेशनल सेकंड की फॉर NICRA प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी हमारी एक पोस्ट है और यहाँ पे भी हमारे 42,000 रुपये पर मंथ रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास OGPA 7.5 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। डिज़ायरेबल के अंदर हमें बोला गया है एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एरिया में बायोकेमिस्ट्री प्रोजेक्ट्स के अंदर या फिर HPLC इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें यहाँ पे आनी चाहिए, मतलब जो इक्विपमेंट्स हैं उनका हमें यूज़ यहाँ पे आना चाहिए। फिर हमारी सेम एक पोजीशन है उसके लिए भी 42,000 रुपये हमारे पर मंथ रहने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारी मास्टर्स डिग्री है वो एग्रोनॉमी सोयल साइंस एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे डिज़ायरेबल में बोला गया है प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर यूज़ और डाटा एनालिसिस के अंदर। फिर हमारी सेम एक पोजीशन आई है, यहाँ पे भी हमारी एक पोजीशन है यंग प्रोफेशनल सेकंड की 42,000 रुपये हमारी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे हमारे पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सोयल साइंस एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और डिज़ायरेबल में हमें बोला गया है लैब वर्क में और फील्ड वर्क में हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर है हमारी SRF की अंडर ACASA प्रोजेक्ट, यहाँ पे हमारी एक पोस्ट है 37,000 रुपये हमारी सैलरी रहने वाली है और इसके साथ हमें यहाँ पे HRA भी दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए MSc MTech होनी चाहिए इन रिमोट सेंसिंग GIS जियोमेटिक्स स्पेटियल इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर फिजिक्स नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास ऑफ OGPA 7.5 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से।
कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर्स बैचलर डिग्री 2 ईयर्स मास्टर्स डिग्री विद मस्ट हैव नेट क्वालिफिकेशन, वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में हमें बोला गया है नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारा GIS और रिमोट सेंसिंग दोनों के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स और कंडीशन के अंदर हमें बोला गया है, यहाँ पे हमें एज लिमिट बताई गई है, जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स है फॉर SRF, 45 ईयर्स है यंग प्रोफेशनल सेकेंड के लिए। जो जॉब है हमारी टेम्परेरी बेसिस पे है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रहने वाली है। 24 नवंबर 2024 तक हमें यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या करने हैं, हमें मतलब ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उनको वहाँ पे सेंड करना है। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए, उनको यहाँ पे कैंडिडेट्स को ईमेल के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो उस टाइम पे यहाँ पे आपको TA DA नहीं दिया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे जो असिस्टेंट फोटोग्राफ है वो लगानी है, यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हमें यहाँ पे लगानी है। उसके बाद हमें अपना नाम, फादर नेम, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस हमें डालना है, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ पे वैलिड डालने हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी कैटेगरी बतानी है, और यहाँ पे हमारे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th से लेके जो भी हायर क्वालिफिकेशंस हमने कर रखी है, हमें उन सबकी डिटेल्स डालनी है। फिर यहाँ पे हमें अपना एक्सपीरियंस बताना है, हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है, किस किस फील्ड में हमारे पास एक्सपीरियंस है। अगर हमारे पास कोई पब्लिकेशंस है, जैसे हमने अपनी कोई पब्लिकेशंस डाल रखी हैं, तो हम वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे रिसर्च पेपर हो, कोई साइटेशंस वगैरह हो, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर रखे हैं तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे हमें सिग्नेचर करने हैं विद डेट। फिर हमारा आता है डेक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे हमें अपना नाम वगैरह लिख के यहाँ पे हमें अपना डेक्लेरेशन देना है, और फिर इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ये थी हमारी ICAR की तरफ से रिक्रूटमेंट, ICAR IARI की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।